नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका india.com में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे वैलेंटाइन डे के विषय में। 14 फरवरी 2023 को है वैलेंटाइन डे। देखिए, वैसे तो मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि वैलेंटाइन डे पर क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहला यही प्रयास रहे कि आप किसी का मन या हृदय बिल्कुल ना दुखाएं। दूसरा, आप ये प्रयास करिएगा कि किसी के साथ कोई धोखेबाजी या चीटिंग या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस मत करिएगा जो आप ना निभा पाएं। तीसरी बात, विशेष तौर पे जब भी आप किसी से मित्रता करने जाएं या वैलेंटाइन डे पर इस तरीके का आपके मन में कोई विचार है, तो आप अपने मन के अंदर एक पॉजिटिव सोच रख के ही आपको जाना है। ये वादा आप भूलकर भी ना करिए, करके बैठिएगा कि आप ऐसा कुछ कर देंगे जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो, ठीक है। लेकिन आप किसी के साथ भी कोई चीटिंग या धोखा करने का प्रयास भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से कुंडली का पंचम भाव और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित हो जाएंगे। चंद्रमा जो कि धन का कारक है और मन का भी कारक है, पंचम भाव जो कि हमारी बुद्धि के लिए देखा जाता है, और तीसरा भाव हमारे मित्रों के लिए देखा जाता है। तो इन तीनों भावों के स्वामी का जो लॉर्ड है, जो ग्रह है, उससे भी आपको देखना होगा कि मैं किसी के साथ या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कोई धोखेबाजी ना करें। क्योंकि तृतीयेश और पंचमेश यदि पीड़ित हो जाता है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को लेकर भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि वैलेंटाइन डे पर क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन वैलेंटाइन डे आप मनाइए, लेकिन किसी भी तरीके से किसी के साथ कुछ गलत करने का प्रयास भूलकर भी ना करिएगा। कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार।